हर हालत में यूएसएसआर का पतन के पीछे बहुत सारा पूंजीवादी देशों का प्रभाव भी है। पूंजीवादी देश से कोई ऊपर उठ रहा है, समाजवादी देश समाप्त हो रहा है। और आप कहते हैं कि आईएमएफ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल जो होगा वो समाजवादी या पूंजीवादी या मिलिट्री रूल, ये बात कहेगा, वो सब देश के लिए बराबर होगा। तो इसलिए भारत के अर्थशास्त्री है ब्रह्मानंद, वो कहते हैं कि आईएमएफ ही नाइदर इंटरनेशनल नॉर फंड। इंटरनेशनल इसलिए नहीं है कि केवल ये पूंजीवादी देशों को ऋण देने में इंटरेस्टेड रहता है, कम्युनिस्ट देशों को नहीं देता है। और ये फंड भी नहीं है क्योंकि इसका औकात है $200 बिलियन। आज भारत के पास है $400 बिलियन। किसी भी देश से समस्या उठती है तो $80 बिलियन की, और अगर सब देश इसके पास चलावे तो उतना फंड इसके पास नहीं है। दूसरा है कि आईएमएफ का फंड सीमित है। तीसरा है कि वर्ल्ड डेट क्राइसिस, कि जितने भी विश्व में 189 देश है उसमें 57 देश जो है गरीबों में गरीब देश, उसने जो आईएमएफ से कर्ज लिया है वो लौटा नहीं पाया है, ब्याज पर ब्याज चल रहा है, और आईएमएफ से ऋण लेके फिर उसी ब्याज को और उसी पुराने कर्जा को चुकाता है और नया कर्ज उसके माथे पर है। तो इसको कहा जाता है आज वर्ल्ड डेट क्राइसिस से गुजर रहा है। इसको सोचने की जरूरत है, या तो सब कर्ज को माफ कर दीजिए या आईएमएफ को समाप्त कीजिए, नया रूप लाइए। ऊंचा ब्याज दर, कुछ आलोचक कहना है कि आज के जमाने में आईएमएफ का ब्याज दर ऊंचा हो गया है और पेट्रो डॉलर, मुस्लिम देशों में बहुत डॉलर है तो वो लोग भी कर्ज पर देते हैं, बाजार में कर्ज पर जो डॉलर उपलब्ध है उसका रेट कम है और आईएमएफ का रेट ऊंचा है। तो देश जो है क्यों लेगा आईएमएफ से कर्ज, क्यों नहीं वो दूसरे प्राइवेट स्रोत से लेगा? तो ब्याज दर ऊंचा है, इसे इसकी आलोचना की जाती है। इस तरह हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आईएमएफ की जो भूमिका है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। 189 देशों के अर्थव्यवस्था को एक सूत्र में बांध कर रखने की काम को वो कर रहा है। इसमें जल्दीबाजी की जरूरत नहीं कि इसको ख़त्म कर दें। होने को तो अभी एक बैंक बना है, क्या नाम है उसका, है जिसका कि सदस्य चाइना है, भारत है, ब्रिक्स। ब्रिक्स में बी का मतलब हुआ ब्राजील, आई का मतलब हुआ इंडिया, आर का मतलब हुआ रूस, आई का मतलब हुआ इंडिया, और सी का अर्थ हुआ चाइना, और एस का हुआ साउथ अफ्रीका। इस पूरे देश का फंड का टोटल जब हम करते हैं तो उतना ही टोटल हो जाता है जितना कि आईएमएफ के पास गोल्ड रिजर्व है। आईएमएफ का गोल्ड रिजर्व जो है वो 16,000 टन के आसपास है। तो ये सारे देश का नाम गिनाए, इसके सारे फंड को, गोल्ड का भंडार जो डिक्लेयर्ड है, इंटरनेट पर आपको आंकड़ा मिलेगा, उसको जोड़िएगा तो इस सब के जुटने पर लगभग 16 के आसपास हो जाता है। मतलब कि एक ऐसा धड़ा खड़ा किया है जो कि यूएसए के लगभग क्या है, पैरेलल है। आईएमएफ में कोई भी डिसीजन होगा तो डिसीजन होता है मेजोरिटी रूल के अंतर्गत। 189 देश में 51 देश अगर हाँ कहेगा तब आपको मिलेगा, ना कहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये मेजोरिटी रूल होता है। और WTO में कॉन्सेंसस रूल है, सर्वसम्मति से पास होगा तभी लागू होगा। इसलिए आप देखिएगा कि WTO में बहुत सारे जो जो डिसीजन लिए गए हैं वो लागू नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उसमें सर्वसम्मति अभी नहीं बन रही है। बहस पर बहस, समझौता विचार विमर्श हो रहा है। तो इस तरीके से लोग निष्कर्ष पहुँचते हैं कि इसकी भूमिका बहुत ही अच्छी रही है लेकिन और अच्छी हो सकती है अगर इसके भीतर, आईएमएफ के भीतर में भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया जाए। इसके आर्टिकल्स में, इसके चार्टर्स में परिवर्तन किया जाए। अगर वो संभव नहीं है तो एक नया चार्टर नए दृष्टिकोण से बनाया जाए। थैंक यू।